केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। केदारनाथ मंदिर में 200 किलो से भी अधिक सोना चोरी हुआ है, जिसको लेकर आज सतपाल महाराज ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झूठ सच बोलना है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और आपको बता दूं कि केदारनाथ मंदिर में दानदाता ने कुल 23 किलो के लगभग सोना दान किया था। जब सोना कुल 23 किलो दान किया गया है, तो 200 किलो सोना चोरी होने का आरोप निराधार है। उसके बावजूद भी विपक्षी मित्रों के कहने पर हमने इसकी जांच की। जांच की रिपोर्ट जल्द आने वाली है, जिसके बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। दानदाता जो थे, उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया, तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोल रहा है, उनको झूठ सच बोलना है। आप बताइए, 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है, छोटी मोटी कोई उसका वजन होता है, कहाँ चोरी हो गया? जब देने वाले ने 23 किलो दिया, तो 228 चोरी कैसे हो गया? एक प्रश्न है।